हेलो, वेलकम टू सुपर मोबाइल और दी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया है, न्यूरल कंट्रोल वाला वही चैप्टर चल रहा हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉर्निया के बारे में स्टेटमेंट दिया, कॉर्निया क्या है। तो आप देखेंगे हम लोग की ये जो आई बॉल है ऑलमोस्ट स्फेरिकल 2.5 सेंटीमीटर डाया एंड सिचुएटेड इन द ईयर ऑर्बिट्स, स्कल में ईयर आई ऑर्बिट्स में है, ईयर ऑर्बिट्स आई ऑर्बिट्स में ये है। तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है, तीन वॉल हैं इसमें, आउटर मोस्ट जो वॉल है वो बनी हुई है स्क्लेरा की, और स्क्लेरा इन द इंटीरियर 1/6 इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। आगे के 1/6 में ये ट्रांसपेरेंट हो जाती, कॉर्निया होती। कॉर्निया हेल्प्स किसमें कर रहा है कि आई में आ जाए लाइट, लाइट को निकलने दे, ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट ओवर रेटिना अलॉन्ग विद लेंस। तो कॉर्निया हमारी ए वैस्कुलर होती है, याद रखिएगा, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो ए वैस्कुलर होती, लेकिन इसको ऑक्सीजन तो चाहिए। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर के संपर्क में, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब आपकी आईलिड बंद होती, जब आप सोते हो, तब इसको कौन देता ऑक्सीजन? तब इसको एक्वस ह्यूमर देता ऑक्सीजन। तो ये दो चार बातें हैं, और यही पहला ऐसा ह्यूमन ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, क्योंकि ये एवेस्कुलर होता है। ये दो चार बातें जो आपको मैंने एक्स्ट्रा बताई, इसके बिहाफ पे अब हम लोग क्रैक कर लेंगे क्वेश्चन। कॉर्निया इज द एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग ऑफ आई बॉल, हो सकता है ये जवाब। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन, इलास्टिन हमारा येलो कलर का होता है, डेंस होगा तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आंखों में रोशनी नहीं आ पाएगी, ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वैस्कुलराइज, वैस्कुलराइज नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, कोलेजन वाइट होते हैं, ओपेक होते हैं, एंड इज मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन। अब या तो ये आंसर है या तो ये, तो इसमें आप इसको चुनिए, क्योंकि इसमें कह रहा है एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटीनस, तो ये कॉर्निया केवल 1/6 में ट्रांसपेरेंट है, और स्क्लेरा का ही ये मॉडिफाइड है, स्क्लेरा ही कॉर्निया में कन्वर्ट हो रही है इन द इंटीरियर 1/6। तो ये आंसर इसका नहीं, आपने चुन लेना है इसको, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक ऑफ कोलेजन एंड द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। ये आपके एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी में ये लाइनें हैं नहीं, आप ढूंढोगे तो मिलेंगी नहीं, तो कन्फ्यूज होगे, इसीलिए मैंने इसको इलेबोरेटेड वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट चॉइस टू मेक, यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 4। ये आपके, हालांकि एनसीईआरटी में उसको इतने बढ़िया ढंग से समझाया नहीं गया। ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस, तो ट्रांसपेरेंट लेंस, ये हमारा लेंस, ये हमारी कोराइड, कोराइड का एक्सटेंशन क्या, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी में सीलियरी प्रोसेसेस एंड सीलियरी मसल्स, उससे लगे हुए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को हेल्ड कर रहे हैं एट इट प्लेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट्स अटैच टू सीलियरी बॉडी कीप्स द लेंस इन प्लेस, ट्रांसपेरेंट लेंस। ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट हो गई, याद रखिए। तो आंसर क्या है, बी आंसर है इसका, पेज नंबर 324 एनसीईआरटी फर्स्ट पैरा, इसको आप चुन लीजिए, टिक लगाइए, चार नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरे लेक्चर को, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।